नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। जंगल के रास्ते वध हेतु ले जाए जा रहे 128 गौवंश बरामद कर 6 पशु तस्कर को अहरोरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर जंगल के रास्ते गौवंशों को वध हेतु ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस अधीक्षक मिर्जापुर द्वारा क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरोरा में पुलिस टीम गठित कर पशु तस्करों की गिरफ्तारी एवं गौवंशों की बरामदगी करने के निर्देश दिए गए। थाना अध्यक्ष अहरोरा संजय कुमार सिंह मैं पुलिस बल द्वारा घेराबंदी कर गौवंशों को क्रूरतापूर्वक बांध कर मारते पीटते ले जा रहे थे। 128 गौवंशों को बरामद करते हुए 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना अहरोरा में पशु तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर गिरफ्तार पशु तस्करों को जेल भेजा दिया। वहीं तस्करों से पूछताछ में बताया कि वह आसपास के गांवों में कम दाम पर गौवंशों को खरीद कर बिहार के व्यापारी को अधिक दामों पर बेचने का कार्य करते हैं तथा बिक्री के पैसों से अपना जीवन यापन करते हैं। जीवन 24 के लिए मिर्जापुर से वशीम की रिपोर्ट। जनपद मिर्जापुर में थाना अहरोरा टीम को अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में सफलता हाथ लगी है। सीओ साहब के नेतृत्व में एक गैंग पकड़ा गया है जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें की 128 गोवंश बरामद किए गए हैं जो ये लोग हाँक के अन्य जनपदों की तरफ लेके जा रहे थे। इनसे पूछताछ की जा रही है। इनके गैंग में अन्य भी जो लोग शामिल होंगे उनके भी धरपकड़ की जाएगी। सराहनीय कार्य करने वाली थाना अरारा टीम को पुरस्कृत भी किया जा रहा है। थैंक यू सर।